मीन राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 15 नवंबर 2020 का राशि फल। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 15 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है अमावस्या, नक्षत्र है विशाखा, पक्ष है कृष्ण पक्ष, दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय का समय है 6:44 में, सूर्य अस्त का समय है 5:27 में, ऋतु है हेमंत। आज का दिन काल है 10:43, 10 सेकेंड का। महीना है कार्तिक। आज के दिन शुभ समय नहीं है, अशुभ समय शुरू होता है 4:01 PM से 4:44 PM तक। राहु काल शुरू होता है 4:06 PM से 5:27 PM तक। दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सामाजिक जीवन के बारे में। दोस्तों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके सामाजिक जीवन में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान आपके सामाजिक जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन से, आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से उस परेशानी का अंत होगा। मित्रों, आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो अपने रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पैसे ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे, तो उन पैसों को आपको प्राप्त करना होगा, ताकि आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके बॉडी में, आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। आने वाले समय के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और इस कारण से आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और मैरून। आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली अंक है 5 यानी कि 5। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको अस्पताल में जाकर रोगियों की सहायता करनी होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।